चलिए बढ़ते हैं अब शो में आगे और स्टॉकब्रोकर टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ राय मंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बताइए पहला मार्केट में बहुत ज्यादा चॉपिनेस देखने को मिल रही है, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है, कैसे ट्रेड करना चाहिए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, देखिए आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वीक लगातार हमने निफ्टी में हर दिन सपोर्ट्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए देखा। आशीष जी, पिछले दो सेशन में आपने बिल्कुल ठीक कहा, थोड़ी सी चौपिनेस हमने देखी है, बट इसके बावजूद जिस तरह से स्पॉट के निफ्टी ने 24,800 से ऊपर सस्टेन किया आशीष जी, मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि जब तक अब हम 24,800 से ऊपर हैं तब तक हमें बिल्कुल अपने व्यू को बुलिश रखना चाहिए। छोटे मोटे डिप्स हम जरूर देख सकते हैं, बट इसके बावजूद नेक्स्ट वीक हमें कहीं ना कहीं आशीष जी निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाकर 25,100 की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो मैं यहाँ पर एक बुलिश पोजिशन ही सजेस्ट करना चाहता हूँ आशीष जी। देखिए 29th August की जो एक्सपायरी है उसमें निफ्टी में हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं। यहाँ पर हमें 24,850 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करना है, इसका प्रीमियम करीब 130 रुपीज के आसपास में चल रहा है, और सामने से 25,100 की स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है, इसका प्राइस करीब 35 रुपीज के आसपास में चल रहा है आशीष जी। तो नेट स्प्रेड, जो नेट कॉस्ट हमारी स्प्रेड को बनाने की हो जाएगी 95 रुपीज के आसपास। स्टॉप लॉस हम इस पूरे स्प्रेड का रख लेंगे 5,050 रुपीज पर, और हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी 200 and 225 तक का। ऑल राइट, यहाँ पर आप रखिए खास फोकस, स्प्रेड्स के माध्यम से आपको ट्रेड यहाँ पर बनाकर चलना चाहिए। सर स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे आज? जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही बाय की कॉल्स हैं और दोनों में लगभग सेम सिमिलर सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। पहला काउंटर है भारती एयरटेल, यहाँ पर देखिए आशीष जी पिछले कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक स्पॉट में 1490 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज उससे ऊपर निकला है, अब इनफैक्ट 1500 से भी ऊपर निकलने की कोशिश काउंटर कर रहा है, तो स्ट्रेंथ यहां पर बनी रह सकती है। भारती एयरटेल को हम बाय करके चल सकते हैं, अभी स्पॉट में बिल्कुल 1500 के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 1489 पर, एंड हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 1540, सेकंड टारगेट 1560 का। सेकंड स्टॉक है ICICI बैंक, यहां पर देखिए आशीष जी बैंक निफ्टी बार बार 51,000 के आसपास रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है, बट ICICI बैंक अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, पिछले दो हफ्ते से एक लेवल पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, आज उससे ऊपर निकला है, तो यहां पर भी स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। ICICI बैंक को हम बाय कर सकते हैं, अभी 1199 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1185 पर, एंड हमारे टारगेट्स होंगे पहला टारगेट 1250, सेकंड टारगेट 1265 तक का। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, एक तो भारतीय टेल जहां पर अगर आप देखें तो स्पेस में भी एक्शन है, 1540-1560 दो टारगेट्स हैं, और ICICI बैंक ये भी अगर आप देखें तो दूसरे बैंकों की तुलना में रिजिलियंस दिखा रहा है, तो 1250 और 1265 ये दो टारगेट्स हैं, 1185 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए।